तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम जी टेक। आज की वीडियो में आपके लेके आया एक 8 ईयर ओल्ड आईफोन की अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू, और वो 2021 में कैसा रहेगा और अभी क्या उसे लोग चलाते हैं। तो ये बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इधर मेरे अकाउंट की फ़ोटो आपको दिख रही होगी, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं टैक्स रिलेटेड, और मुझे बता सकते हैं आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए वीडियो कर लेते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरी और वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो ये रहा हमारे सामने एक 8 ईयर ओल्ड iPhone 5s का बॉक्स। तो बॉक्स पे इधर iPhone 5s की ब्रांडिंग मिल जाती है, ऊपर ब्लैक कलर का एप्पल का लोगो, क्योंकि एक स्पेस ग्रे कलर वाला फ़ोन था तो आपको ब्लैक में देखने के लिए मिलता है लोगो और iPhone 5s। पीछे कुछ डिटेल मेंशन है बाकी कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ था। तो फटाफट से बॉक्स को खोल लेते हैं हम। सबसे ऊपर पड़ा हमारा iPhone 5s, इसको एक बार देख के अगर देखते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे ऊपर इधर जो सेक्शन है उस पर लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। बैक साइड में से ओपन करने के लिए मिलता है सेक्शन, वहाँ आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और उसे कैसे यूज़ करना उसकी एक फ़ोटो बनी है। उसके अंदर यहाँ आपको एप्पल के 2 स्टिकर और साथ में iPhone 5s की यूज़र मैनुअल मिलती है, जिसकी आपको एज सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इसको भी एक बार रख देते हैं साइड में। और अब वो सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है जो आज के टाइम के iPhone के साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, वो एक एप्पल का चार्जर 5 वॉट का ये एक चार्जर देखने के लिए मिलता है आपको iPhone 5s के साथ। साथ में आपको ईयरफोन भी एक अच्छे से बॉक्स में देखने के लिए मिलते हैं, 3.5 mm वाले हैं। नीचे एक लाइटनिंग केबल भी थी, USB 2 लाइटनिंग केबल। तो आप फटाफट सारे सामान को साइड रख के अपने फ़ोन को देख लेते हैं। आप इस फ़ोन को कह सकते हो 12 के लिए एक वो भी था, मतलब बेसिक डिज़ाइन, क्योंकि इसकी फ्लैट एजेस iPhone 12 के काफ़ी सिमिलर लगती हैं। तो बॉक्स को मैंने निकाल लिया, अपन इसे फ़ोन काफ़ी सुंदर, छोटा और काफ़ी हैंडी लगता है देखने में और प्रीमियम फील रहता है। इसकी एजेस आप देख सकते हैं 12 के काफ़ी क्लोज लगती हैं, क्योंकि इसमें एजेस पे काफ़ी अच्छी शाइनिंग थी। बाकी इसके फिज़िकल ओवरव्यू की बात भी कर लेते हैं। इसके लगभग हमें लेफ्ट साइड में मिल जाती है पावर वॉल्यूम लॉक कर की और साइलेंट करने के प्रोफेशनल की, ऊपर मिल जाती है पावर की। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिल जाती है और नीचे की तरफ 3.5 mm जैक, लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर और माइक्रोफोन देखने को मिलता है। बीच में होम बटन मिल जाता है, तो फटाफट से कर लेते हैं फ़ोन को ऑन। जितने फ़ोन ऑन हो रहा है आप नीचे जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो ये फ़ोन काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो इसको बूट अप होने में थोड़ा टाइम लगता है आजकल के मोबाइल के कंपैरिजन में। बाकी जितना 20-30 सेकेंड लगता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन अब भी इतना टाइम लगा देते हैं ऑन होने में। तो बस ये ऑन होने ही वाला है, जैसे ऑन होगा फिर इसके मैं कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा। थोड़ा कैमरे की ब्राइटनेस कंट्रोल कर देता हूं ताकि आप स्क्रीन को अच्छे देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं एक रेटिना डिस्प्ले होने के बाद भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है, स्मूथ एक्सपीरियंस लगता है छोटे से डिवाइस में। बाकी अब इसके जनरल में चल के आपको दिखाता हूं कौन सा वर्जन चल रहा है। आईफोन में काफ़ी अपडेट आए थे जिसकी वजह से आपको ये काफ़ी ओल्ड नहीं लगता चलाने में। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, कितने GB वाला ये वेरियंट है और इसका क्या क्या मॉडल नंबर है। तो बैक करने में भी आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती, मतलब इसमें ये फर्स्ट फ़ोन था जो टच आईडी आता था, तो 2013 में काफ़ी बड़ी बात होती थी अगर फ़ोन में टच आईडी होती थी। तो अब कैमरे की बात कर लेते हैं आपको, मैं ये दिखाता हूँ इसका कैमरा। आप देख सकते हैं अभी काफ़ी सही लग रहा है इसका कैमरा। बाकी एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाते हैं आपको कैसी आती है फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है हमें, जिस हिसाब से एक 8 ईयर ओल्ड आईफोन है। बाकी कुछ आगे मैं आपको सैम्पल शॉट भी दिखा दूँगा वीडियो में। बाकी ये फ़ोन काफ़ी हैंडी है अगर आप के हैंड काफ़ी स्मॉल है या आपको सिंगल हैंड से फ़ोन चलाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिंगल हैंड से इसे कम्प्लीटली यूज़ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मैं अपने एक ही हैंड से स्क्रीन के चारों कोनों को टच कर पाऊँगा। और इसका साइज़ काफ़ी क्लोज आ जाता है iPhone 12 mini के, अगर आपने 12 mini लेना है तो उसके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिलता है। बाकी प्रोसेसर और चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एक 8 ईयर ओल्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बाकी अपडेट की वजह से लोग इसे आज भी चला रहे हैं। 16 GB वाले वेरिएंट में थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, बाकी 32 GB वाले लोग काफ़ी अच्छे तरीके से चलाते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन की तरह। अब कुछ सैम्पल शॉट की बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल लाइट में खींचा हुआ शॉट है, फिर एक ये सेम शॉट है विथ फिल्टर है, ये विविड वाला जो फिल्टर आता है एप्पल का,
फिर एक आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं जिम जाता हूँ, ये वहाँ का एक नॉर्मल क्लिक शॉट है। फिर इसके फ्रंट कैमरे वाले भी कुछ शॉट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिसेंट सेल्फी आई हुई है। एक काफ़ी 8 ईयर ओल्ड फ़ोन के हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका आज भी। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।